हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी का एक ड्रेस लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा ड्रेस है और ये मैंने 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। वीडियो के अंत में मैंने सभी साइज में बता दिया है, आप लोग किस तरीके से बनाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ड्रेस देखिए लड्डू गोपाल जी का कुछ इस तरीका से है। ये मैंने तो ये 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। इसका डायमीटर अगर आप लोग देखिएगा तो मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये मैंने 11 इंच का डायमीटर रखा है। तो ये ड्रेस को आप लोग किसी भी साइज में बना सकते हैं, बहुत ही इजी है ये ड्रेस को बनाना। वीडियो में मैंने इस तरीके से पगड़ी भी बनाना बताया है, यानी कि इस वीडियो में मैंने ड्रेस और पगड़ी दोनों का एक साथ बनाया है। तो आप लोग देखिए ये पगड़ी को मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, अलग से मैंने दीवा बना के फिर इसमें अटैच किया है। तो चलिए यही ड्रेस और पगड़ी किस तरीके से बनाना है आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये ड्रेस और पगड़ी बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर क्या क्या यूज़ किया है। डार्क कलर का जो ऊन होता है ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आप लोग ब्लैक कलर में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर ब्लैक की जगह व्हाइट कलर दीजिए, और ये दीवा में मैंने जो व्हाइट कलर दिया है इसके जगह आप लोग रेड कलर दीजिए। तो इस तरीके से भी ये ड्रेस को आप लोग बना सकते हैं अगर आप लोग को ब्लैक नहीं बनाना पसंद है। ठीक है, जो मैंने नीडल्स यूज़ किया है वो मैंने यहाँ पर 12 नंबर का जो नीडल्स होता है देख रहे आप लोग, ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इस तरीके का जो रेड कलर का स्टोन होता है, बड़ा वाला स्टोन, ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और साथ ही साथ इस तरीके का जो मोती मार्केट में मिलता है, देखिए मोती का साइज कुछ इस तरीके से है, ना छोटा है ना बड़ा है, ये मोती मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये मोती यहाँ पर अटैच करने के लिए इस तरीका का जो ऊन का निगल्स होता है ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। सीजर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और इस तरीका का जो लेस मार्केट में मिलता है ये मैंने इसमें यूज़ किया है। और ये सब पेस्टिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर जो फेब्रिक ग्लू मार्केट में मिलता है इससे मैंने ये सब पेस्ट किया है। चलिए ये सब चीज़ से आज मैं आप लोगों को ये ड्रेस बनाना बताऊँगी और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट आप लोग से है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा। वो प्रेस करते 3 ऑप्शन आप लोग के सामने आएगा, ऑल ऑप्शन जो है उसको क्लिक कर दीजिएगा। इससे यही होगा मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। जिन लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उन लोगों को थैंक यू सो मच। मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, तो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर किया कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी का चोली बना लिया है। अब बनाने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 राउंड इस तरीके से बना लिया। इसका लुक देखिए कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो 5 राउंड मैंने बनाने के बाद इसके बाद मैं डिजाइन अपना शुरू करूंगी। तो आप लोग भी इस तरीके से 5 राउंड घेरा बना लीजिए। कि एक बार आप लोग को बता देती हूँ, देखिए पहला वाला घेरा जो है इसमें एक चेन में मैंने एक डबल क्रोशेट बनाया, फिर देखिए सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाए, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में 1, फिर नेक्स्ट चेन में 2। तो इस तरीके से मैंने पहला वाला घेरा कंप्लीट किया है। सेकेंड वाला घेरा में देखिए 2 डबल क्रोशेट मैंने अलग अलग चेन में बनाया, फिर थर्ड नंबर चेन में देखिए 2 डबल क्रोशेट बनाया, फिर 2 चेन में अलग अलग बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में देखिए 2 डबल क्रोशेट बनाया। इस तरीके से मैंने सेकेंड राउंड कंप्लीट किया है। थर्ड राउंड में देखिए मैंने 3 चेन में अलग अलग डबल क्रोशेट बनाया, फोर्थ चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाए। इस तरीके से थर्ड राउंड कंप्लीट किया। फोर्थ राउंड में देखिए 1 2 3 4 चेन में मैंने अलग बनाया है, 4 के बाद 5वां नंबर चेन में 2 डबल क्रोशेट एक साथ बनाया है। तो इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करना है। और फिफ्थ नंबर जो राउंड है इसमें देखिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर 5 डबल क्रोशेट मैंने अलग अलग बनाए हैं। देखिए 1 2 3 4 और एक देखिए 5 चेन में मैंने अलग अलग बनाया है, और 6 नंबर चेन में देखिए 2 डबल क्रोशेट बनाए। तो इस तरीके से ये मैंने 5 घेरा बना लिया है, 5 राउंड का एक घेरा जैसा बना लिया है। अब देखिए हम लोग को आगे क्या करना है, अब मैं डिजाइन अपना शुरू करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है, और यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 तीन चेन मैंने इस तरीके से ले लिया है। लेने के बाद नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे, तो 3 का चेन यानी कि 1 डबल क्रोशेट के हिसाब से हम काउंट करेंगे। तो 2 डबल क्रोशेट हो गया अलग अलग चेन में। नेक्स्ट चेन में फिर 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 3 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में बनाएंगे फिर 4, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 5, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 6, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 7, नेक्स्ट में बनाएंगे 8, और देखिए नेक्स्ट में एक बनाएंगे 9। 9 डबल क्रोशेट को देखिए हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे। ये देखिए मेरे यहाँ पर 2 घर है, ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ते हुए ऑरेंज कलर जो है इस तरीके से ऑरेंज कलर को हम अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि 2 को हम लोग बिना कंप्लीट किए ऑरेंज से हम लोग कंप्लीट करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट ये वाला चेन है, इसमें से एक नेजर स्क्रू डालेंगे, ऑरेंज कलर से बनाएंगे। तो देखिए तीन का मैंने दो किया, दो को कंप्लीट नहीं करेंगे। अब देखिए हम लोग ब्लैक कलर से फिर इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए ब्लैक कलर से कंप्लीट की, यानी कि ऑरेंज कलर से मेरा एक डबल क्रोशेट बन गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग को ये बनाते जाना है। फिर देखिए हम लोग नौ डबल क्रोशेट बना लेंगे, इसके बाद नौ चेन में अलग अलग हम लोग नौ डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरीके से। पीछे से देखिए ऑरेंज कलर को हम लोग साथ में ही लेते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए एक दो, नेक्स्ट चेन में बनाए तीन, नेक्स्ट में बनाएंगे चार, में बनाएंगे आठ, और फिर देखिए नेक्स्ट में बनाएंगे नौ। इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, अब ऑरेंज कलर को अटैच करेंगे, ऑरेंज कलर से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चेन में देखिए, नेक्स्ट चेन में निजास को डालते हैं, ऑरेंज कलर से एक बनाएंगे, तीन को दो किया, दो को एक ऑरेंज कलर से नहीं ब्लैक कलर से करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर देखिए नौ डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से, पीछे हम लोग ऑरेंज कलर को इस तरीके से लेते चलेंगे। तो इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करना है। नौ हम डबल क्रोशेट बनाएंगे ब्लैक से, एक डबल क्रोशेट हम लोग बनाएंगे ऑरेंज से। जब इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे या धागा को जोड़ेंगे तब हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन देखिए यहाँ पर दो घर मेरा कम हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पूरा नौ करेंगे और यहाँ पर दसवां नंबर चेन में एक इस तरीके से ऑरेंज कलर को जोड़ेंगे तब ये मेरा ये पूरा कंप्लीट होगा। तो दो मेरा यहाँ पर घर कम हो रहा है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे देखिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ का गैप में मैंने यहाँ पर एक राउंड बढ़ा देना है, ठीक है। बढ़ा देना मतलब देखिए मैं थोड़ा सा खोल के आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं नौ घर बनाना है, ये ऑरेंज कलर के बाद नौ घर बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग बीच में एक राउंड बढ़ाएंगे और इधर एक राउंड एक घर बढ़ा देंगे, तो मेरा दो घर बढ़ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑरेंज के बाद एक दो तीन चार पाँच छह बनाया है। छह नंबर घर में देखिए एक बार और बना देंगे हम। देखिए छह नंबर घर ही में इस तरीके से एक बार और निजस को डालते हुए एक डबल क्रोशेट बना दिए, तो मेरा एक घर यहाँ पर बन गया, सात हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक आठ, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक नौ। अब देखिए हम लोग जिस तरीके से कर रहे थे ये ऑरेंज कलर को जोड़ेंगे और दस नंबर घर में एक ऑरेंज कलर से बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, ब्लैक कलर से कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर देखिए हम लोग नौ घर बनाएंगे, नेक्स्ट घर में एक डबल क्रोशेट बनाया, तो इसमें भी हम लोग छः नंबर घर में दो बार बना देंगे तब यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार बनाया, नेक्स्ट चेन में एक बार दो, फिर नेक्स्ट में तीन, फिर नेक्स्ट में चार, नेक्स्ट में पाँच, और देखिए नेक्स्ट में छः। छः घर मैंने अलग अलग बना लिया है। अब देखिए सात नंबर, देखिए छः नंबर घर में एक बार निजस को डालते हुए एक डबल क्रोशेट हम इस तरीके से एक और बना लिए, ठीक है। तो सात बन गया, नेक्स्ट में बनाएंगे आठ, और देखिए नेक्स्ट में एक बनाया नौ, ठीक है। बना लिए, देखिए इस तरीके से नौ बन गया है। और नौ बनने के बाद इसको हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, देखिए दो है, दो को अब हम लोग इससे कंप्लीट करेंगे, और इनसे कंप्लीट कर दिया। और दस नंबर घर में देखिए एक हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, ब्लैक से हम लोग किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। फिर देखिए एक दो तीन, तीन नंबर चेन में इस तरीके से जिसको डालते हुए इसको सिलके से जोड़ देंगे। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से हुआ, देख रहे आप लोग। तो इस तरीके से हम लोग टोटल यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, टोटल इस तरीके से दस बन गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को आगे क्या करना है। देखिए यहाँ पर हम लोग एक दो तीन, तीन चेन ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे दो, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक तीन, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे चार, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे पाँच, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे छः, नेक्स्ट में बनाएंगे सात, नेक्स्ट में बनाएंगे आठ, फिर नेक्स्ट में देखिए नौ, कंप्लीट नहीं करेंगे इसको। तो नौ के ऊपर नौ डबल क्रोशेट इस तरीके से बना लिए, देखिए ब्लैक कलर से नौ के ऊपर नौ डबल क्रोशेट बना लिए। देखिए दो है, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट करेंगे ऑरेंज कलर से इस तरीके से, ऑरेंज कलर से इसको कंप्लीट कर लिए। देखिए ऑरेंज कलर से मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इसी घर में हम लोग को तीन बार ऑरेंज कलर से बनाना है,
ठीक है, एक ही लूप में तीन बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये ऑरेंज कलर का लूप में इस तरीके से नेजर्स को डालते हुए तीन बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक बार, फिर उसी में नेजर्स को डालते हुए दो बार, और फिर देखिए उसी में नेजर्स को डालते हुए एक बार और तीन बार। तो इसको हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट करेंगे हम लोग ऑरेंज से, ये सॉरी ब्लैक से, ब्लैक से देखिए कंप्लीट की, ऑरेंज कलर का धागा को थोड़ा इस तरीके से खींच देंगे, ठीक है। फिर देखिए ब्लैक से नौ घर में नौ डबल क्रोशेट हम लोग इस तरीके से बनाते जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और एक देखिए नौ, कंप्लीट नहीं करेंगे। देखिए दो है, दो को अब हम लोग ऑरेंज कलर से इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये ऑरेंज कलर में हम लोग एक ही साथ इसी में तीन डबल क्रोशेट बनाना है, एक, दो, देखिए तीन बनाए लेकिन हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, दो है, दो को एक से कंप्लीट करिए, देखिए इस तरीके से तीन बन गया। अब देखिए फिर हम लोग ऑरेंज के ये ब्लैक के ऊपर ब्लैक इस तरीके से नौ डबल क्रोशेट बनाते हुए यहाँ पर तीन डबल क्रोशेट बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। तो इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे, इस तरीके से देख रहे आप लोग, इस तरीके से इसका लुक आया है। अब देखिए लास्ट में हम लोग आ गए हैं, देखिए दो धागे यहाँ पर है, दो धागा है, धागा दोनों को हम लोग ऑरेंज कलर से नहीं ब्लैक कलर से सेम प्रोसेस में कंप्लीट किए, ठीक है। अब देखिए एक, दो, तीन, तीसरा नंबर चेन में इस तरीके से नेजर्स को डालते हुए यहाँ पर स्लिप स्टिचेस को जोड़ दिए। किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर टोटल मेरा नौ चेन है, यानी कि नौ डबल क्रोचेट है ब्लैक कलर से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन चेन ले लिए, जहाँ मैंने तीन का चेन लिया है ये पहला वाला चेन में हम लोग को दो डबल क्रोचेट और बनाना है। तो तीन का चेन एक डबल क्रोचेट हो गया और दो बनाएंगे यानी कि टोटल तीन हो जाएगा। तो एक ही चेन में हमको तीन डबल क्रोचेट बना लेना है, ठीक है। तो देखिए एक बार मैंने तीन का चेन ले लिया एक डबल क्रोचेट, उसी में फिर नेजर्स को डालते हुए एक डबल क्रोचेट बनाए, उसी में फिर नेजर्स को डालते हुए एक डबल क्रोचेट बनाए। तो देखिए एक ही चेन में मेरा तीन डबल क्रोचेट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सात डबल क्रोचेट हम लोग अलग अलग चेन में बना लेंगे, काउंट करके सात डबल क्रोचेट बना लेंगे। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोचेट बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में देखिए एक डबल क्रोचेट बनाए, दो बन गया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बनाए, तीन, फिर नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे, चार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे, पाँच, नेक्स्ट में बनाएंगे छः, और फिर नेक्स्ट में देखिए सात। तो सात चेन में मैंने अलग अलग बना लिया, एक में एक का चेन में मैंने तीन बार बनाया यानी कि आठ चेन का वर्क मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए नौ नंबर चेन है, ये एक चेन बाकी है, ये चेन में फिर हम लोग तीन डबल क्रोचेट बनाएंगे एक ही चेन में। एक बार बनाया, उसी चेन में फिर नेजर्स को डालते हुए एक बार बनाए, उसी चेन में फिर नेजर्स को डालते हुए एक बार और बनाए। दो है, दो को कंप्लीट नहीं करेंगे, अब ऑरेंज कलर से हम लोग शुरू करेंगे। तो देख रहे हैं नौ चेन में हम लोग पहला वाला चेन में तीन बार बनाया, बाकी सात चेन में एक एक बार डबल क्रोचेट बनाया और लास्ट चेन में एक बार, लास्ट चेन में तीन डबल क्रोचेट बनाए। तो इस तरीके से नौ चेन को हम लोग कंप्लीट किए। अब देखिए ऑरेंज कलर हम लोग ऐड करेंगे, तो दो को हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑरेंज से, ठीक है। ये पीछे हम लोग ऑरेंज कलर को लेते चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, ये तीन डबल क्रोचेट मैंने बनाया था पहला राउंड में, तो आप लोग हम लोग देखिए इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। देखिए दो है, दो हम लोग रहने देंगे, फिर नेक्स्ट चेन में इस तरीके से दो को निकालेंगे, फिर देखिए तीन आ गया है, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर देखिए दो को निकालेंगे तो टोटल हो जाएगा चार, एक, दो, तीन, चार, यानी कि ये हम लोग को घटाना है, इस तरीके से हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसको एक करेंगे लेकिन करेंगे ब्लैक कलर से, ये ध्यान रखिएगा, ब्लैक कलर से एक में कर दी। तो इसका लुक देखिए कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। अब देखिए हम लोग फिर वो नौ डबल क्रोचेट के यहाँ पर आ गए हैं, तो पहला वाला चेन में तीन डबल क्रोचेट बनाएंगे ब्लैक कलर से, एक, उसी चेन में फिर एक बनाए, दो, उसी चेन में फिर एक बनाए, तीन, तीन डबल क्रोचेट एक ही चेन में बना लिया, सात डबल क्रोचेट अलग अलग चेन में बनाएंगे, नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक, दो, नेक्स्ट में तीन, फिर नेक्स्ट में चार, फिर नेक्स्ट में पाँच, नेक्स्ट में छः और नेक्स्ट में देखिए सात,
इस तरीके से आप लोग गिन गिन के बनाइएगा, ये परफेक्ट बनेगा। सात बना लिया, आठ नंबर तो ये टोटल आठ हो गया। पहले चेन में मैंने तीन बार बना लिया था, अब देखिए नौ नंबर चेन में तीन डबल क्रोचेट एक साथ बनाएंगे, एक उसी चेन में फिर दो, उसी चेन में फिर एक डबल क्रोचेट और तीन। कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट हम लोग करेंगे ऑरेंज कलर से, दो है दो को एक करेंगे ऑरेंज कलर से। अब देखिए यहाँ पर तीन डबल क्रोचेट है, पहला में इस तरीके नीडल्स को डालेंगे कंप्लीट नहीं करेंगे, दो रहने देंगे, फिर सेकेंड में डालेंगे कंप्लीट नहीं करेंगे, दो को निकालेंगे तीन हो गया, फिर थर्ड में डालेंगे कंप्लीट नहीं करेंगे दो को निकालेंगे, तो देखिए चार आ गया है, चार को हम लोग निकालेंगे एक करेंगे, लेकिन वो करेंगे ब्लैक कलर से, इस तरीके से ब्लैक कलर से एक कर दिया। फिर देखिए पहला वाला चेन है, इसमें हम लोग तीन डबल क्रोचेट जिस तरीके से बना रहे थे वैसे एक ही चेन में तीन बार डबल क्रोचेट मैंने इस तरीके से बना ली। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से देख रहे आप लोग, इस तरीके से। तो इस तरीके से राउंड को पूरा कंप्लीट करते हैं, इस तरीके से राउंड को कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पर देखिए चार है, इसको हम लोग ब्लैक कलर से कंप्लीट करेंगे, इस तरीके से ब्लैक कलर से कंप्लीट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर पहले जो एक दो तीन तीसरा नंबर चेन में, देखिए एक दो तीन तीसरा नंबर चेन में इस तरीके नेजस को डालते हुए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे। तो इसका लुक देखिए कुछ इस तरीके, देख रहे हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से। अब आगे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या करना, ये इस तरीके से कुछ बन गया है। अब बनने के बाद देखिए ऑरेंज कलर का काम मेरा कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा धागा लेके कट करेंगे पीछे की ओर, नॉट लगा देंगे, हम लोग व्हाइट कलर अटैच करेंगे, आप चाहे तो रेड कलर भी अटैच कर सकते हैं वो भी अच्छा लगेगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग को क्या करना है, देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ दिया था, देखिए एक दो तीन स्लिप स्टिच से इस तरीके से मैंने यहाँ पर जोड़ दिया था इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए व्हाइट कलर का अटैच करेंगे, ये व्हाइट कलर है, इसको हम लोग इस तरीके से अटैच करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग ये वाला राउंड में सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है, जितना भी काम होगा सिंगल क्रोचेट से होगा। तो देखिए नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोचेट बनाएं, इस तरीके से छह सिंगल क्रोचेट हम लोग को बनाना है, एक नेक्स्ट में बनाएंगे दो, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे तीन, पीछे लेकिन ब्लैक कलर हम लोग साथ साथ लेते चलेंगे, ठीक है। तीन बना फिर बनाएंगे सिंगल क्रोचेट बनाना है, चार नेक्स्ट में बनाएंगे, पाँच फिर देखिए नेक्स्ट में बनाएंगे, छः देखिए छः सिंगल क्रोचेट जिस तरीके से बना लिया, छः सिंगल क्रोचेट को हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, देखिए दो धागा हम लोग इस तरीके से रहने देंगे, कंप्लीट हम लोग ब्लैक कलर से करेंगे क्योंकि एक घर हम लोग को ब्लैक कलर से बनाना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से कंप्लीट मैंने छः सिंगल क्रोचेट बनाया लेकिन कंप्लीट मैंने ब्लैक से किया है, एक दो तीन चार पाँच छः, देख रहे हैं। नेक्स्ट जो चेन है इसमें देखिए एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे इस तरीके से, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट हम लोग व्हाइट से करेंगे क्योंकि आगे हम लोग को व्हाइट बनाना है फिर, तो ये कंप्लीट करने वाला थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए इस तरीके से कंप्लीट किया, अब देखिए इसमें बना लिए हैं, अब देखिए नेक्स्ट में छः बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और एक देखिए छः, देखिए इस तरीके से छः बना लिया है। बनाने के बाद देखिए ये जो येलो कलर है इसमें हम लोग एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, व्हाइट से ही बनाएंगे, ठीक है। तो येलो कलर के चेन में इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे, देखिए येलो कलर वाला चेन है, देखिए ये येलो कलर वाला चेन है, इसमें एक नीडल्स डालते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोचेट एक बना लेंगे इस तरीके से, ये हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखिए हम लोग छः, ये ब्लैक आ गया है, फिर छः हम लोग ब्लैक का बनाएंगे सिंगल क्रोचेट व्हाइट कलर से, एक नेक्स्ट में बनाएंगे, एक दो नेक्स्ट में एक बनाएंगे, तीन फिर नेक्स्ट में चार फिर नेक्स्ट में पाँच फिर देखिए नेक्स्ट में छः बनाएंगे, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, ब्लैक से इसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट में ब्लैक से बनाएंगे कंप्लीट नहीं करेंगे, व्हाइट से कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर देखिए अब फिर हम लोग छः बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और एक देखिए छः, छः बना लिए।
फिर देखिए येलो कलर का एक चेन आ गया है, देख रहे हैं ये वाला, इसमें हम लोग इस तरीके को डालते हुए एक सिंगल कुछ इसमें बना लेंगे। तो ये हम लोग साथ में काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें इस तरीके से नीचे को डालते हुए एक सिंगल क्रोचेट बना लें। फिर देखिए ब्लैक आ गया, तो छह हम लोग काउंट करते हुए बना लेंगे इस तरीके से। तो देखिए इसका लुक देखिए कुछ इस तरीके से है, देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 छह वाइट, एक ब्लैक, फिर 1 2 3 4 5 छह वाइट से बनाए, फिर देखिए येल्लो में एक वाइट बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा राउंड हम लोग कंप्लीट कर, इसका लुक कुछ इस तरीके से है, देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, इस तरीके से मैंने बना लिया है, इसमें इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए इस तरीके से स्लिप स्टिच कर दी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 1 2 3 चेन में हम लोग और स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो एक नंबर चेन में एक स्लिप स्टिच बनाया, दो नंबर चेन में एक स्लिप स्टिच बनाए, और देखिए तीन नंबर चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरीके से बनाए, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरीके से घुमा देंगे, ठीक है। अब घुमाने के बाद देखिए क्योंकि ऊपर मैंने ये वाला डबल क्रोचेट बनाया है, ये सॉरी सिंगल क्रोचेट बनाया है, तो इसमें इस तरीके से नीडल्स को डालते हुए यहाँ पर 9 डबल क्रोचेट हम लोग बनाएंगे। 1 2 एक ही चेन में बनाएंगे, देखिए फिर उसी चेन में डाले 3, उसी में फिर 4 5 6 7 8 और देखिए 9। अभी हम लोग व्हाइट कलर से ही वर्क करेंगे, ब्लैक से नहीं करेंगे। तो देखिए ये मेरा रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से मैंने 9 डबल क्रोचेट बना लिया इस तरीके से, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, तीन नंबर चेन देखिए 1 2 3 तीन नंबर ये चेन है, इसमें इस तरीके से जिसको डालते हैं स्लिप स्टिच बनाना है। एक स्लिप स्टिच बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बनाए, फिर नेक्स्ट चेन में एक बनाए 2, फिर नेक्स्ट चेन में एक बनाए 3। देखिए इस तरीके से मैंने तीसरा नंबर चेन में स्लिप स्टिच डालते हुए इधर 3 चेन में मैंने इस तरीके से देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच बना लिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, अब देखिए हम लोग इसको इस तरीके से सीधा की ओर पलट लेंगे, ठीक है। और पलटने के बाद देखिए यहाँ पर जो मैंने 9 डबल क्रोचेट बनाया है, हर चेन में हम लोग 2-2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, यानी कि 18 डबल क्रोचेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला डबल क्रोचेट है, इसमें इस तरीके से नीचेस को डालेंगे, देखिए इस तरीके से डाले, यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, एक बनाया और उसी में फिर एक बार डालते हुए एक बनाएंगे 2, फिर देखिए नेक्स्ट चेन ये वाला है, इसमें 2 बनाएंगे 1 2, तब 4 बन गया मेरा, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बनाएंगे 1 2, 6 बन गया, फिर नेक्स्ट में देखिए 2 बनाएंगे 8, फिर देखिए नेक्स्ट में 2 बनाएंगे 10, फिर नेक्स्ट में देखिए 2 बनाएंगे 12, फिर नेक्स्ट में देखिए 2 बनाएंगे 14, फिर देखिए नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, फिर देखिए नेक्स्ट ये वाला लास्ट है, इसमें हम लोग 2 बनाएंगे, देखिए इस तरीके से हर चेन में मैंने इस तरीके से 2-2 डबल क्रोचेट इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, तीन नंबर चेन में हम लोग स्लिप स्टिच बनाएंगे। तीन नंबर चेन मतलब देखिए 1 2 3 ये तीन नंबर चेन है, इसमें इस तरीके नेजेस को डालते हुए यहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच बना देंगे, ये लुक कुछ इस तरीके से होगा। तो देखिए इस तरीके से 9 के ऊपर हम लोग 18 डबल क्रोचेट इस तरीके से बना लिए, देख रहे आप लोग। ये मेरा फ्रंट साइड है, तो देखिए ये एक दीवा जैसा लुक आ गया है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर तीन नंबर चेन में 1 2 3 ये तीसरा नंबर चेन में इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ने के बाद एक चेन लेंगे और धागा को यहाँ पर कट कर देंगे, देखिए धागा को यहाँ पर कट कर दिया। तो कट करने के बाद देखिए ये अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो देखिए एक दीवा का इस तरीके से शेप बन गया, देख रहे आप लोग, ये व्हाइट के ऊपर नहीं दिख रहा होगा, देखिए इस तरीके का दीवा का शेप बन गया, देख रहे।
तो इस तरीके से हम लोग को धागा कट कर करके हर दीवार में इस तरीके से बनाना है। तो नेक्स्ट देखिए हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे। दूसरा ये इस तरीके से बनाने के लिए कहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे, देखिए ये येलो कलर का ये वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 यहाँ पर इस तरीके से नेजस को डालेंगे और डालते हुए यहाँ पर धागा को हम लोग इस तरीके से जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से धागा जोड़ लिए, एक चेन लेंगे यानी कि ये पूरा धागा जुड़ गया। अब इसको हम लोग किस तरीके से टर्न करेंगे, ठीक है। घुमाने के बाद देखिए येलो वाला के ऊपर ये वाला मेरा है, देखिए येलो वाला के ऊपर ये वाला जो दिख रहा है इसमें इस तरीके से नेजस को डालेंगे, ठीक है। या फिर आप लोग किस तरीके से गिन सकते हैं, 1 2 3 तीसरा को छोड़ के चौथा में जो है उसको इस तरीके से डालेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 ये पीछे में ये, हाँ इस तरीके से इसमें डालें और डालने के बाद यहाँ पर हम लोग 9 डबल क्रोचेट जिस तरीके से वहाँ पर बनाए हैं उसी तरीके से यहाँ पर 9 डबल क्रोचेट बनाना है। एक ही लूप में 2 पीछे की ओर से हम लोग बना रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 और एक देखिए 9, ठीक है। 9 डबल क्रोशेट बना लिया है। अब देखिए तीसरा नंबर चेन में एक स्लिप स्टिच देंगे, 1 2 3 ये तीसरा नंबर चेन है इसमें एक स्लिप स्टिच इस तरीके से, देखिए पूरा चेन को उठा के करेंगे इस तरीके से स्लिप स्टिच हम लोग बना लिए, ठीक है। अब बनाने के बाद देखिए 3 चेन हम लोग स्लिप स्टिच और बनाएंगे 3 चेन में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक चेन में बनाएं 1, फिर नेक्स्ट एक चेन में बनाएंगे 2, फिर नेक्स्ट एक चेन में बनाएंगे 3। देखिए इस तरीके से 3 स्लिप स्टिच मैंने बना लिया है। अब इसको हम लोग इस तरीके से टर्न करेंगे, बल लेंगे। अब ये 9 के ऊपर 18 डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। तो पहला वाला चेन में इस तरीके से नेजस को डालते हुए 2 डबल क्रोचेट इसमें बनाएंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट चेन देखिए ये वाला दिख रहा है इसमें 2 बनाएंगे, 3 4 देखिए उसी में 1 बनाएंगे 4। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 15 और उसी में 16। फिर नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर बनाएंगे 17, उसी में 1 बनाएंगे 18। इस तरीके से बना लिया। अब देखिए 3 नंबर चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, तो देखिए 1 2 3 3 नंबर चेन में इस तरीके से नेजस को डालते हुए इसे जोड़ दिए। यहाँ पर एक चेन लेंगे, धागा को कट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते जाएंगे। तो देखिए इसका प्रोसेस ये कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग पूरा बना लेते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से दीवा शेप में मेरा बन गया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ब्लैक कलर में वर्क स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये ब्लैक कलर को मैंने कट नहीं किया था, ये देखिए पीछे की ओर इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पीछे की ओर इस तरीके से हम लोग ब्लैक को यहाँ पर इस तरीके से एक बार देखिए इस तरीके से एक बार ले लिए, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक बार जोड़ लिया है, जहाँ था वहीं पर एक बार मैंने खाली जोड़ लिया है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 देखिए 5 चेन मैंने इस तरीके से ले लिया। अब बीच में जो ये दोनों दीवार के बीच में जो ये वाला चेन है इसमें देखिए हम लोग 7 डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें निजस को डालेंगे और यहाँ पर देखिए 7 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक बार देखिए एक ही चेन में निजस को डालते हुए 7 डबल क्रोचेट मैंने इस तरीके से बना लिया। देखिए इस तरीके से बना लिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 10 चेन इस तरीके से लिया। और 10 चेन लेने के बाद फिर देखिए यहाँ पर जो ये दोनों दीवार के बीच में ये वाला जो चेन है, इसमें हम लोग फिर 7 डबल क्रोचेट बनाएंगे। जैसे मैंने पहले 7 बनाया था उसी तरीके से एक ही चेन में 7 बार डबल क्रोचेट इस तरीके से बना लेंगे। तो इस तरीके से ये राउंड को हम लोग को कम्प्लीट करना है। 10 डबल क्रोचेट 10 चेन लेना है और 7 डबल क्रोचेट बीच बीच में इस तरीके से बनाते जाना है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर 7 डबल क्रोचेट बनाने के बाद 10 चेन लेंगे और पीछे की ओर से फिर ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है इसमें 7 डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा राउंड को हम लोग कम्प्लीट करेंगे। ये हम लोग राउंड के अंत में आ गए हैं। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से, पीछे की ओर देखेंगे तो देखिए पीछे की ओर इस तरीके से, देखिए 7 डबल क्रोचेट और 10 चेन इस तरीके से लिया है। तो इसका लुक कुछ पीछे की ओर इस तरीके से रहेगा और आगे की ओर देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए शुरुआत करने के टाइम में, देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से 7 डबल क्रोचेट बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर शुरुआत में मैंने 5 चेन लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 चेन लिया, यहाँ पर 10 चेन लिया है, तो 5 चेन और हम लोग लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लास्ट में 7 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, देखिए 7, 7 चेन इस तरीके से ले लिए। और लेने के बाद यहाँ पर देखिए 2 चेन के गैप में पांचवा नंबर चेन में देखिए 2, 1, 2 चेन के गैप में इस तरीके से नीडल्स को डालते हुए यहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच कर दिए, ठीक है। तो देखिए इधर मैंने 5 चेन लिया था और इधर 5 चेन, यानी कि टोटल 10 चेन हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, 1, 2, 3 3 चेन लिए और यहाँ पर देखिए 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 देखिए 4 मैंने डबल क्रोचेट बनाया, 1, 2, 3, 4 और एक मैंने 3 का चेन, यानी कि टोटल 5 डबल क्रोचेट मैंने इस तरीके से ये वाला चेन में इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब बनाने के बाद देखिए यहाँ पर जो मैंने 7 डबल क्रोचेट बनाया था इसमें देखिए पहला वाला चेन में 1 डबल क्रोचेट, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोचेट, एक बनाया उसी चेन में फिर नीडल्स को डालते हुए 2 डबल क्रोचेट बना लिए, फिर नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोचेट, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोचेट, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोचेट, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोचेट, 1 और 1 देखिए 2। तो इस तरीके से ये कर लिया हम लोग, 7 के ऊपर 1 चेन में 1 डबल क्रोचेट बनाए, नेक्स्ट चेन में 2, फिर नेक्स्ट चेन में 1, फिर नेक्स्ट चेन में 2, इस तरीके से ये राउंड को मैंने कंप्लीट किया। अब देखिए ये जो यहाँ पर दिख रहा है इसमें हम लोग 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। तो 10 यहाँ पर टोटल बनाएंगे, लेकिन मैंने शुरुआत में 5 बनाया है, तो जब हम लोग घूम के आके यहाँ ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर 5 और बना लेंगे, तो ये पूरा 10 हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी चेन नहीं लेना है। अब देखिए इसके अंदर हम लोग 10 डबल क्रोचेट बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखिए 10 डबल क्रोचेट बना लिए। अब देखिए बल लेंगे, पहला वाला चेन में 1 डबल क्रोचेट बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोचेट बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में देखिए 1 डबल क्रोचेट, फिर नेक्स्ट चेन में देखिए 2 डबल क्रोचेट, देखिए ये कुछ इस तरीके से ठीक कर देंगे। देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से होगा, ये इसके ऊपर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर इसमें हम लोग 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे और इसमें 1 चेन में 1, नेक्स्ट चेन में 2, तो इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड को कंप्लीट करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से हुआ है।
पूरा देवा जैसा लुक आ रहा है। अब देखिए हम लोग को ये राउंड में थोड़ा काउंट करके करना होगा। तो किस तरीके से काउंट करेंगे देखिए, इसको हम लोग को एक साथ लेकर चार चेन को हम लोग एक साथ लेकर वर्क करेंगे, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में हम लोग एक चेन लेंगे, फिर ये पूरा राउंड घूम के जब आएंगे तब यहाँ पर तीन चेन लेंगे। इस तरीके से हम लोग को करना है। तो देखिए एक चेन हम लोग, ये चार चेन है कहाँ से लेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो मैंने टोटल ये जो दीवा बनाया है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सात नंबर डबल क्रोचेट है। सात के बाद देखिए ये वाला डबल क्रोचेट को इस तरीके से उठाएंगे चार नंबर में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ये तीन को और छोड़ेंगे, 1 2 3, इसमें हम लोग किस तरीके से नीडल्स को डालेंगे और इसके साथ इसको हम लोग किस तरीके से ले लेंगे देखिए इस तरीके से ले आए। यहाँ पर 1 2 3 तीन चेन बना लिए। अब देखिए यहाँ पर जो इसके साथ और नहीं जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर टोटल चार चेन जोड़ते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर और देखिए सात चेन के बाद तीन चेन का जो मैंने गैप दिया है, ये तीन चेन जब ये राउंड पूरा कंप्लीट करके इधर आएंगे तब ये तीन चेन को हम लोग डबल क्रोचेट एक साथ इसके साथ लेकर बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इधर सात घर छोड़ेंगे, इधर सात घर छोड़ेंगे, बीच में जो चार घर आएगा उसको हम लोग को उठाकर वर्क करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए नीचे यहाँ से हम लोग 17 घर काउंट करके डबल क्रोचेट बना लेंगे नीचे से, इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको काउंट साथ में नहीं करेंगे। तो देखिए ये चेन में इस तरीके से नीडल्स को उठाए, एक डबल क्रोचेट बना, नेक्स्ट में उठाएंगे दो, फिर नेक्स्ट में उठाएंगे तीन, नेक्स्ट में उठाएंगे चार, फिर नेक्स्ट में उठाएंगे पाँच। तो इस तरीके से देखिए इसको अभी नहीं उठाएंगे, ये केवल 17 घर हम लोग काउंट करते हुए 17 घर डबल क्रोचेट बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 5 बनाया है, बाकी 17 बना के आगे मैं प्रोसेस आप लोग को इस तरीके से नीचे के पोर्शन में केवल मैंने 17 घर इस तरीके से बना लिए, 17 डबल क्रोचेट, ठीक है। अब देखिए ऊपर हम लोग कौन सा घर में चार, कौन सा चार घर में हम लोग डबल क्रोचेट बनाएंगे, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, देखिए सात ये घर है और इसमें आठ नंबर चेन में इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे, और डालते हुए जहां मैंने ये बनाया है देखिए ये वाला घर में इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे, एक डबल क्रोचेट इस तरीके से बना लेंगे, मतलब इसके साथ इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, चार घर लेकर ही जोड़ेंगे। एक घर बना लिया है, फिर नेक्स्ट इसमें डालेंगे नीचे का घर में इस तरीके से डालेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बना लेंगे, दो बना लिया है, फिर नेक्स्ट ऊपर का डालेंगे, नीचे का नेक्स्ट घर में डालेंगे तीन, और देखिए एक और बनाएंगे, फिर देखिए ऊपर के इस तरीके से डालेंगे और नीचे में इस तरीके से ये दोनों घर को लेते हुए यहाँ एक डबल क्रोचेट बना लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 चार घर में मैंने इस तरीके से लेकर बना लिया, ठीक है। अब देखिए अब ये पोर्शन में और नहीं बनाएंगे, अब नीचे हम लोग फिर हम लोग 17 डबल क्रोचेट काउंट करते हुए बना लेंगे हर चेन में, 1 2 3 4। तो इस तरीका से 17 घर जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है 17 घर हम यहाँ पर काउंट करके बना लेंगे, पूरा 17 घर काउंट करते हुए बनाएंगे, और यहाँ पर देखिए फिर चार घर हम लोग जोड़ेंगे इसके साथ, इसको लेते हुए चार घर जोड़ेंगे। तो चार घर कहाँ से जोड़ेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 सात घर को छोड़ेंगे, आठ नंबर घर से ये घर लेते हुए एक ये घर लेंगे, फिर ये घर लेंगे दो, फिर ये घर लेंगे तीन, और ये घर लेंगे चार, ठीक है। ये चार घर के साथ इसके साथ इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लोग काउंट करते हुए 17 घर बना लेंगे, 18 घर से ये तीन को ये चार को जोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम लोग काउंट करते हुए 17 बना लेंगे, फिर इसमें सात घर छोड़ते हुए आठ नंबर घर को इसको लेंगे, चार घर लेंगे, चार के साथ इसको इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने एक चेन लिया है बाकी तीन चेन इधर लेंगे, तो ये राउंड को जब घूम के इधर आएंगे तब लेंगे, तो ये मैं आगे आप लोग को दिखाती हूँ। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। लास्ट में थोड़ा देख कर बनाइएगा, देखिए 17 घर मैंने बोला था इस तरीके से बनाने के लिए, देखिए अब जोड़ेंगे हम लोग 1 2 देखिए 3 पीछे ये वाला ले लेंगे, पीछे का और से ब्लैक कलर को ले लिए और यहाँ पर एक बना लेंगे 3। तो देखिए ये 4 हो गया, ठीक है। ये मैंने आगे एक जोड़ दिया है,
एक दो तीन, तीन नंबर चेन में इस तरीके से नेजस को डालते हुए स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। इसका लुक कुछ इस तरीके से हुआ है। यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब देखिए हम लोग बॉर्डर बनाएंगे, तो बॉर्डर मैं यहाँ पर रेड कलर से बना रही हूँ। तो बॉर्डर को देखिए किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। हम लोग बॉर्डर में भी स्टिच बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेड कलर को हम लोग किस तरीके से जोड़ेंगे। ब्लैक कलर का काम कंप्लीट हो गया है, आप लोग चाहे तो ब्लैक कलर को कट कर दीजिएगा। इस तरीके से देखिए मैंने जोड़ लिया है, एक दो और तीन, तीन चेन लिया है और दो चेन हम लोग इस तरीके से एक्स्ट्रा और लेंगे। दो चेन मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब देखिए जहाँ पर मैंने लिया है उसी में नेजस को डालते हुए एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, यानी कि जहाँ से मैंने शुरुआत किया है वहीं पर एक डबल क्रोशेट बना लिए। तब देखिए ये एक भी स्टिच बन गया है, ठीक है। पाँच चेन लिए, तीन मैंने डबल क्रोशेट के हिसाब से दो सेंटर के लिए, तो इस तरीके से पाँच चेन लिए। अब देखिए इस तरीके से नीचे दो चेन को स्किप करेंगे, ठीक है। एक दो, दो चेन को स्किप करिए, तीसरा नंबर चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से। फिर एक दो, दो चेन लेंगे, फिर इसी में जहाँ मैंने डबल क्रोशेट बनाया उसी में नेजस को डालते हुए एक डबल क्रोशेट बनाए इस तरीके से। फिर देखिए नीचे एक दो, दो चेन को स्किप करेंगे, तीसरा नंबर चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, दो चेन लेंगे, फिर उसी में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर देखिए नीचे दो चेन को स्किप करेंगे, तीसरा नंबर चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, दो चेन लेंगे, फिर उसी में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर देखिए दो चेन को स्किप करेंगे, तीसरा नंबर चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, दो चेन लेंगे, उसी में फिर एक डबल क्रोशेट और बनाएंगे। तो देखिए ये एक भी स्टिच जैसा बनते जा रहा है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से इस राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से, देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बात आप लोग को बता दूँ, यहाँ अगर दो का गैप में मैंने इस तरीके से भी स्टिच बनाया है। अगर आप लोग के ये ड्रेस में झोल आता हो तो आप लोग के नीचे में तीन चेन का गैप देकर भी एक भी स्टिच बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक भी स्टिच बनाया है उसके बाद दो चेन का गैप दिया है, तो आप लोग यहाँ पर तीन चेन का भी गैप दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक भी स्टिच बना लिया है, एक दो तीन, तीसरा नंबर चेन में इस तरीके नेजस को डालते हुए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना लिए, देख रहे हैं। अब देखिए ये भी स्टिच में वर्क करेंगे तो यहाँ पर एक स्लिप स्टिच इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पर एक दो तीन, तीन चेन लिए, ये भी स्टिच में वर्क करेंगे। पहला वाला में एक डबल क्रोशेट बनाया तो दो डबल क्रोशेट मेरा बन गया। अब दो ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। दो बार मैंने धागा को घुमाया, देखिए पहले दो को निकाला, फिर दो को निकालेंगे, उसके बाद फिर दो को निकालेंगे। एक ट्रिपल क्रोशेट बन गया, दूसरा एक बनाएंगे, दो बार धागा को घुमाया, फिर देखिए दो को निकालेंगे, फिर दो को निकालेंगे, फिर दो को निकालेंगे। तो दो मैंने पहले डबल क्रोशेट बनाया, उसके बाद मैंने दो ट्रिपल क्रोशेट बनाया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट दो डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक बनाया उसी चेन में, फिर एक और बनाएं। तो देखिए ये छः का मैंने बनाया है, तो दो डबल क्रोशेट, दो ट्रिपल क्रोशेट और दो डबल क्रोशेट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ये भी स्टिच में इस तरीके से स्लिप स्टिच से जोड़ दिए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट भी स्टिच में दो डबल क्रोशेट बनाएंगे, पहले एक बनाया, एक और बनाएंगे, दो, दो डबल क्रोशेट, दो बार धागा घुमाया, दो ट्रिपल क्रोशेट, फिर दो बार धागा घुमाया, एक और ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। फिर देखिए दो डबल क्रोशेट, एक और एक देखिए बना लिए, दो डबल क्रोशेट। फिर देखिए नेक्स्ट ये वाला भी स्टिच है, इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ दिए। फिर देखिए नेक्स्ट वाला बनाएंगे, दो डबल क्रोचेट, दो ट्रिपल क्रोचेट, दो डबल क्रोचेट। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा, देख रहे आप लोग। तो इस तरीके से पूरा राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये ड्रेस का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। अब देखिए हम लोग ये ड्रेस डेकोरेट करेंगे, तो वो किस तरीके से कर रही हूँ मैं। इस तरीके से लेस ये जो होता है ये मार्केट में इजीली मिलता है, तो ये लेस का मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया है। देखिए इस तरीके से कटिंग कर लिया है, तो ये 17 मैंने इस तरीके से मोती को कटिंग कर लिया है। और करने के बाद देखिए फैब्रिक ग्लू जो आता है उसके मदद से हम लोग इस तरीके से ये दीवा का जो है इसको इस तरीके से हम लोग लगाएंगे। और इस तरीका का जो स्टोन जैसा आता है मार्केट में इजीली खरीदने में मिलता है, और इसको देखिए हम लोग यहाँ पर बीच में ये यहाँ पर एक पेस्ट कर देंगे, सभी दीवा के यहाँ पर एक पेस्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग इस तरीके से डेकोरेशन करेंगे। देखिए इस तरीका का मोती मार्केट में मिलता है, ये मोती को हम लोग देखिए यहाँ पर इस तरीके से
अगर आप लोग चाहे तो इस तरीके से मोती को भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मोती जो मैं यहाँ पर लगाऊंगी ये मैं यहाँ पर स्टिच करूंगी और फिर भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए बीच में हम लोग किस तरीके से नेजेस को डालेंगे और डालते हुए एक मोती लेंगे और वहाँ पर जिस तरीके से हम लोग सिलाई करते हैं एज इट इज सेम प्रोसेस में हम लोग को सिलाई करना है। एक मैंने इस तरीके से स्टिच कर दिया है, फिर धागा को इधर ले आएंगे, बीच में धागा को इस तरीके से ले आके इस तरीके से स्टिच कर दें, देख रहे। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा राउंड में स्टिच कर लेते हैं और यहाँ पर मैं ग्लूकन के मदद से यहाँ पेस्ट करके आगे इसका फाइनल लुक मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इसका फाइनल लुक देखिए कुछ इस तरीके से है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से डेकोरेटेड ड्रेस को किया है। तो चलिए अब ये ड्रेस का मैचिंग का पगड़ी बनाना बताती हूँ किस तरीके से आप लोग बनाइएगा। तो पगड़ी के लिए देखिए इस तरीके का मैंने एक स्ट्रिप बना रखा है जो कि मैंने यहाँ पर 53 चेन का डबल क्रोशेट बना रखा है। तो एक मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, बीच में रेड कलर दिया है, उसके बाद फिर ब्लैक कलर से। तो तीन राउंड मैंने डबल क्रोशेट का बनाया है और टोटल जो यहाँ पर चेन है वो है 53। तो 53 चेन के ऊपर 53 डबल क्रोशेट मैंने बना के तीन राउंड इस तरीके से बना लिया है। और देखिए इस तरीके से मैंने एक दीवा इस तरीके से बना के रखा है। तो इसी तरीके से एक दीवा और मैं बनाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी किस तरीके से बनाना है। तो पहले आप लोग किस तरीके से एक स्ट्रिप बना लीजिए, इसको बैक पोर्शन में इस तरीके से रखेंगे और इसको पगड़ी का लुक देंगे। तो इसको इस तरीके से पहले ट्विस्ट कर देंगे और फिर इस तरीके से इसको रखते हुए ये जितना वर्क हम लोग करेंगे पीछे की ओर से करेंगे। तो देखिए ये जो जितना ओपन पोर्शन है ये सब हम लोग सिलाई कर देंगे। इस तरीके का नेजेस लेंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इधर एक चेन लेंगे और उधर का एक चेन लेंगे। ये दोनों तरफ का चेन लेते हुए इस तरीके से इसके साथ इसको जोड़ देंगे। और फिर देखिए ये वाला जो है इसको हम लोग इस तरीके से अटैच करते हुए इसको भी इस तरीके से जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से जोड़ दिए। जोड़ने के बाद देखिए अब देखिए ओपन पोर्शन यहाँ इधर है, इधर हम लोग स्टिच करेंगे। यहाँ देखिए इधर है, इधर भी स्टिच करेंगे और बीच में देखिए ये दोनों पोर्शन को एक साथ लेते हुए स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से पूरा स्टिच करके मैं आगे आप लोग को दिखाती हूँ। ये कुछ पगड़ी इस तरीके से बन गया है। अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से एक दीवा बना लिए हैं और इसी तरीके से एक दीवा हम लोग और बनाएंगे। तो वो किस तरीके से बनाएंगे चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए व्हाइट कलर ले लेंगे, व्हाइट कलर में इस तरीके से एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। देखिए इस तरीके से एक मैजिक सर्कल बना लिए। यहाँ पर देखिए तीन चेन हम लोग लेंगे, एक दो और तीन, तीन चेन बना लिए। इसके बाद देखिए ये मैजिक सर्कल के अंदर ही हम लोग 14 डबल क्रोशेट बनाएंगे। दो बन गया है, ये एक तीन, तो एक तीन का चेन जो लिया है वो एक डबल क्रोशेट के हिसाब से हम लोग गिनेंगे। तो देखिए एक दो तीन, तीन बन गया है, फिर एक बनाएंगे चार, फिर एक बनाएंगे पाँच। तो इस तरीके से टोटल 14 डबल क्रोशेट हम लोग बना लेते हैं। 14 डबल क्रोशेट मैंने बना लिया है और ये जो धागा दिख रहा है इसको हम लोग किस तरीके से खींच देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से बन गया है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, एक दो तीन, तीन चेन लेंगे, इसको इस तरीके से घुमाएंगे। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक बार बनाया उसी चेन में फिर नेजेस को डालते हुए एक बार और बनाएं। तो देखिए पहला वाला तीन का चेन हुआ, एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन में दो डबल क्रोशेट, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में दो डबल क्रोशेट बनाएंगे,
एक बनाया, उसी चेन में नेजस को डालते एक और बनाए, फिर देखे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोचेट, नेक्स्ट चेन में दो डबल क्रोचेट। तो इस तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, एक चेन में एक बार, सेकंड चेन में दो बार। इस तरीके से राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम लोग को ब्लैक कलर जोड़ना है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ब्लैक कलर जोड़ेंगे और एक चेन ले लेंगे। लेने के बाद इसको इस तरीके से टर्न करेंगे और करते हुए देखिए हर चेन में एक एक डबल क्रोचेट, सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। तो पहला चेन में एक सिंगल क्रोचेट मैंने बनाया, अब देखिए सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, दो बन गया, फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, तीन, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोचेट फिर बनाएंगे, चार, नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे, पाँच, और देखिए छः नंबर चेन में दो सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, एक बनाया उसी चेन में फिर एक और बनाएंगे। तो छः नंबर चेन में हम लोग दो सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। पीछे हम लोग व्हाइट कलर को कट कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट एक, फिर नेक्स्ट एक में दो, फिर नेक्स्ट में एक बनाए तीन, नेक्स्ट में एक बनाएंगे चार, नेक्स्ट में एक बनाएंगे पाँच, नेक्स्ट में देखिए दो बनाएंगे। ये छः नंबर चेन है, इसमें दो बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से वर्क को कंप्लीट करके धागा मैंने कट कर दिया है। अब देखिए बीच में हम लोग ऑरेंज कलर को जोड़ेंगे। इस तरीके से ऑरेंज कलर जोड़ दिया, यहाँ पर एक, दो और तीन, तीन चेन ले लिया है। इसके अंदर से नेजस को डालते हुए तीन डबल क्रोचेट बनाएंगे, एक बार बनाया, एक बार बनाए, दो और एक बार बनाएंगे तीन। तो ए और एक तीन का चेन, यानी कि टोटल चार डबल क्रोचेट मैंने इस तरीके से बना लिया। देखिए एक, दो, तीन, तीन चेन लेंगे, इसको इस तरीके से घुमाएंगे। घुमाने के बाद देखिए नेक्स्ट जो चेन है इसमें इस तरीके नेजस को डालेंगे, वर्क को कंप्लीट नहीं करेंगे। देखिए दो रखेंगे, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में डालेंगे नेजस को, वर्क को कंप्लीट नहीं करेंगे, दो रखेंगे, फिर देखिए नेक्स्ट में डालेंगे, इस तरीके से वर्क को कंप्लीट नहीं करेंगे, दो रखेंगे। अब देखिए चार आ गया, चारों को इकट्ठे इस तरीके से निकाल देंगे, एक चेन ले लेंगे, धागा को कट कर देंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इस तरीके से डेकोरेट कर लेंगे ये मोती लगा के, और इस तरीके से यहाँ पर एक रेड कलर का मोती लगा के। तो इस तरीके से डेकोरेट कर लेती हूँ, आगे मैं आप लोग को दिखा। देखिए ये कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेशन कर लिया है, और देखिए यहाँ पर एक मैंने बनाया है इस तरीके से। अब ये दोनों को देखिए, एक मैं यहाँ पर इस तरीके से अटैच करूँगी, देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक अटैच करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से अटैच करेंगे। दो तरफ दो मैं अटैच कर लेती हूँ सुई धागा की मदद से, फिर आगे मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा दी। तो देखिए ये पगड़ी का लुक कुछ इस तरीके से मैंने दोनों दो तरफ इस तरीके से स्टिच कर दिया है, और इधर देखिए एक राउंड मैंने इस तरीके का लेस लगा दिया है। तो आप चाहे तो यहाँ दो राउंड का लेस भी लगा सकते हैं। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से है, ये ड्रेस और साथ में ये पगड़ी, बहुत ही प्यारा बना है। देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखिए मैं हर साइज़ का मेजरमेंट आप लोग को बता देती हूँ। अगर ये आप लोग छोटा साइज में बनाना चाहते हैं, ये मैं पाँच और छः नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना बताई हूँ। अगर आप यानी कि इससे बड़ा वाला लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच राउंड के बाद इस तरीके से डिजाइन दीवा का जो डिजाइन मैंने शुरू किया है। तो आप लोग इसमें एक राउंड और ज़्यादा बढ़ा लीजिए, यानी कि छः राउंड के बाद उसके बाद दीवा वाला डिजाइन शुरू कीजिए। तो इस तरीके से आप अगर इसे छोटा लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हैं जीरो और एक नंबर के लिए, तो दो राउंड बनाने के बाद फिर आप ये डिजाइन शुरू कीजिए। और अगर इससे बड़ा वाला लड्डू गोपाल जी के लिए दो और तीन नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए, तो एक, दो, तीन, तीन राउंड बनाने के बाद फिर डिजाइन शुरू कीजिए। तो इस तरीके से आप ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है ये छोटा या बड़ा करने के बाद इस तरीके से डिजाइन शुरू कीजिए, तब ये ड्रेस एकदम परफेक्ट बनेगा और बहुत ही प्यारा बनेगा।
तो ये ड्रेस आप लोग को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छा लगे, मेरे सिखाने का तरीका आप लोग को समझ में आए, तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है। मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी का किस तरीका का ड्रेस बनाऊँ जो कि आप लोग को पसंद आएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दिया कीजिए। तो और जिन लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उन लोगों को थैंक यू सो मच, और जो लोग नहीं कर रखे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, वो प्रेस करते ही तीन ऑप्शन आप लोग के सामने आएगा, ऑल ऑप्शन जो है उसको क्लिक कर दीजिएगा। इससे यही होगा मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाएगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।